हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 14 ऑफ यूनिट नंबर सेकेंड, दैट इज डिज़ाइन ऑफ चैसिस कंपोनेंट। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव गॉन थ्रू सम डिज़ाइन ऑफ सिंगल प्लेट एंड मल्टी प्लेट क्लच। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू डिज़ाइन द ब्रेक। नाउ अंडर द टाइटल ऑफ दिस डिज़ाइन ऑफ ब्रेक वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ ब्रेक्स एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेक्स, देन द डिज़ाइन कंसिडरेशन, देन एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द ब्रेक्स एंड हीट टू बी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, एंड ऑल्सो वी हैव सम न्यूमेरिकल ऑन इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक। सो लेट गेट स्टार्टेड। So before getting started, let's discuss about the kinetic energy and the potential energy. Energy can be classified into two broad groups, that is kinetic energy and the potential energy. The kinetic energy is energy in the body due to its motion, whereas the potential energy is the energy in the body due to its position. Here are the formulas for kinetic energy and the potential energy. Now we are saying that kinetic energy is equal to half mv square, where m is the mass and v is the velocity. Okay, or potential energy is equal to mgh, where m is mass, g is the gravitational force and h is the height. Okay, so जहाँ जहाँ पे आपकी height का पार्ट आएगा, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वहाँ वहाँ आपके बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होंगी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्रेक। ब्रेक इज अ डिवाइस बाय मीन्स ऑफ विच आर्टिफिशियल फ्रिक्शन सरफेस इज अप्लाइड टू मूविंग मेंबर इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप the motion of the machine. Brake एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है आपके मशीन मेंबर को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। और मोस्ट जनरल एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्रेक इज ऑटोमोबाइल व्हीकल। सो इन दिस प्रोसेस of performing the function, the brake absorbs either kinetic energy of the moving member or potential energy given up by the objects being lowered by hoist or elevator. ठीक है, तो अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कौन से बॉडी में प्रोड्यूस करती है, जो बॉडी मोशन में होंगी, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी बॉडी में प्रोड्यूस करती है, वर्टिकल कंडीशन में, ठीक है, दैट इज हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे कि हॉइस्ट और एलिवेटर यानी कि लिफ्ट्स। नाउ दिस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी आपके ब्रेक में, इसे हमें डिसिपेट एज अर्ली एज पॉसिबल करना पड़ेगा in the form of heat. This heat is dissipated in the surrounding air or which circulated through the passage in the brake drum, so that excessive heating of the brake lining does not take place. So while designing of brakes हमें क्या क्या important formulas याद करना पड़ेंगे, use करना पड़ेंगे। एक general idea दे रहा हूँ आपको मैं, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और हीट डिसिपेशन का, मतलब कोई थर्मल रिलेटेड हमें कोई फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। सो द मेजर फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द क्लच एंड द ब्रेक इज दैट
A clutch is used to keep the driving and driven member moving together, whereas brakes are used to stop a moving member or control its speed. So ये मेन डिफरेंस है क्लच और ब्रेक के बीच का. क्लच यूज होता है आपके ड्राइविंग और ड्रिवन मेंबर को साथ में मूव करते रहे और एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए. ब्रेक यूज होता है आपके मशीन के मोशन को स्टॉप करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए. नाउ देयर आर सम मटेरियल यूज फॉर द ब्रेक लाइनिंग should have the following characteristics. It should have high coefficient of friction with minimum fading. In other words, the coefficient of friction should remain constant over the entire surface with change in temperature. It should have low wear rate. It should have high heat resistance because while braking it generates friction and friction generates heat, so that's why it should have high heat resistance. It should have high heat dissipation capacity, so jo heat generate hui hai wo as early as possible heat dissipate bhi honi chahiye braking system se. So it should have low coefficient of thermal expansion. Then it should have adequate mechanical strength. So these are some characteristics of material used for the brake lining. Also they should not be affected by moisture and oil. Obviously. Then we have some design factors that should have to consider while designing the brakes. The designing or capacity of the brake depends upon the following factors, and these are the unit pressure between the braking surface, the coefficient of friction between the braking surface, the peripheral velocity of the brake drum, the projected area of the friction surface, the ability of brake to dissipate heat equivalent to the energy being absorbed. I will explain you these all factors while solving the numericals, so that's why you should get more clarity than explaining this here. So now it's time to homework. You have to give the classification of automobile brakes. You have to describe internal expanding brake with construction working at lead sketch. Classification of brake आपने previous year में पढ़ा हुआ है, तो hope आप इसका answer easily लिख पाएंगे. So this is all about today's lecture. आज हमने theoretical part देखा brakes के बारे में. कल से हम कुछ derivations और numericals देखेंगे about the design of brakes. So I will see you in the next lecture.